स्टूडेंट्स, आप बच्चों की बिहार बोर्ड 2021 की तैयारी को कंप्लीट करवाने के बाद अब आप बोर्ड पर देख रहे हैं। जी हां, सीबीएसई 2021 मिशन 100 आउट ऑफ 100। अगर आप बच्चे 80 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हैं तो अब हम लोग 80 आउट ऑफ 80 के मिशन में अब स्टार्ट करने जा रहे हो। बात चाहे स्ट्रेटजी की हो, आप बच्चों का 1 जून को एग्जाम है, अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, या कह सकते हैं मिड फरवरी। अभी भी आपके पास कितने मंथ हैं? 3.5 मंथ। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी मैथ्स टच भी नहीं किया है, मेरे अंदर अगर आप बच्चे तैयार हो तो इस मिशन को हम और आप मिलकर पूरा कर सकते हैं। बच्चे, अगर आज से भी आप चाहेंगे, अगर आप सीबीएसई एस्पिरेंट हैं, 1 जून को आपको एग्जाम देना है और अभी तक आपने मैथ्स टच नहीं किया है, लेकिन मेहनत करना होगा, साथ देना होगा, मेरे गाइडेंस के अनुसार अगर चलते हैं आप तो आप इस मंजिल को पाने में कामयाब हो सकते हैं। याद है ना, 2-2.5 महीने पहले मैं एक वीडियो रिलीज की थी, मिशन 1000 ऑब्जेक्टिव बिफोर बिहार बोर्ड 2021। क्या मैंने पूरा किया? यस बच्चे, पूरा किया। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ उस 1000 ऑब्जेक्टिव को पूरा किया और उसका फायदा मिला मुझे। जिस दिन बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है उस दिन ही मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया है और उस दिन से बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर मुझे लगता है 3000 से कम थे, और जिस दिन से सॉल्यूशन डाली हूं बच्चों का ट्रस्ट कितना बढ़ चुका है, हमारे ऑफलाइन में बच्चे कितने ज्यादा आ चुके हैं सिर्फ उस 1000 ऑब्जेक्टिव के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट किया उसे पूरा किया। और याद है ना विक्ट्री टेस्ट सीरीज, टाइम आ गया सीबीएसई वालों के लिए भी। तो जो लक्ष्य हम लोग मिलकर निर्धारित करेंगे, बस उस लक्ष्य को तो पूरा करना है। मैंने क्या किया, 1000 ऑब्जेक्टिव था, पहले चैप्टर वाइज करवाई, फिर फुल सिलेबस करवाई, वही अब मैं सीबीएसई के लिए मिशन को स्टार्ट करना चाहती हूं। आप बच्चों का साथ चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, आप में से कौन से बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 आए, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी अभी से किस प्रकार से करना है। रिजल्ट तो लाना है और लाके रहेंगे, इसी प्लेस पर खड़े होके फिर से वीडियो बनेगा कि बच्चे जो अंतिम में मैंने जितना पढ़ाया बोर्ड परीक्षा में सिर्फ उतने से ही क्वेश्चन आया। तो आप बच्चे क्या तैयार हैं इस मिशन के लिए? कमेंट, यस मैम आई एम रेडी टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। अगर आप तैयार हैं तो चलिए अब अगली बातचीत करती हूं। आप बच्चों को सीबीएसई बोर्ड देना है जो एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम, मैं खुद सीबीएसई की स्टूडेंट रही हूं, 10th भी 12th भी फुल मार्क्स स्कोरर रही हूं, और सेल्फ स्टडी से, क्योंकि नवोदय विद्यालय राजगीर से पास आउट हूं, गवर्नमेंट स्कूल। तो एक सेल्फ स्टडी करने वाली लड़की अगर फुल मार्क्स स्कोर कर सकती है तो आप बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेंटर यानी आकृति मी आपको गाइडलाइन कर रही हूं कि एग्जाम में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा,
आपको अभी से कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि शुरुआत में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था अप्रैल 2020 में, तब से मैंने ट्वेल्थ मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। अप टू कैलकुलस चैप्टर 9 तक मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर 7 तक 100% परफेक्ट तरीके से पढ़ाया। 8 और 9 जब पढ़ा रही थी तो टाइम का बहुत क्राइसिस हुआ, तो मैंने लास्ट ईयर के वीडियोस अपलोड कर दिए थे। तो अब दो बातें सामने आ रही है। पहला, मैं चैप्टर 8 एओआई आप फिर से पढ़ा दो, चैप्टर 8 एओआई आप फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो। तो दो बातें, लाइफ टीचिंग मंडे एंड फ्राइडे 9 PM। दूसरा, मैम रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर आप अपलोड करना शुरू कर दो, चैप्टर 8 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने जो अपलोड किए वो बेस्ट थे, कम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर से पढ़ाने को तैयार हूं, क्योंकि अब वक्त की आप बच्चों के पास कोई कमी नहीं है। तो पहले जब भी होगा तो चैप्टर 8 होगा, तब चैप्टर 9 की बातचीत होगी, इसके बाद की बात कर लेती हूं। यानी अगर इसके थ्रू जाना है तो चैप्टर 8 आपको कमेंट करना है कि मैम चैप्टर 8 लाइव पढ़ाना शुरू कर दीजिए, या मैम चैप्टर 8 के रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करिए। 8 खत्म करके 9 की बात कर लूंगी। दूसरा रास्ता है कि मैम वो सब तो हमने कर लिया, इतना तक तो आपने YouTube पे करवा दिया था, चैप्टर 9 के बाद मैंने YouTube पर पढ़ाई बंद कर दी थी, मैंने पेड कोर्स ऐप पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे YouTube पर मुझसे जुड़े हैं, तो क्या फिर से पढ़ना चाहते हैं? यानी सेकेंड पार्ट है चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। आप बच्चे कमेंट करिए कि मैम अब एक एक लेक्चर डेली अपलोड करना शुरू करिए ना, क्योंकि इस रिकॉर्डेड लेक्चर का टाइमिंग है सुबह के 10 बजे से। अगर आप डेली एक्सेप्ट संडे, डेली ही आप समझ लीजिए, आप बच्चे को कमेंट करना है कि मैम आप चैप्टर 10 का लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दीजिए डेली, चैप्टर 11 आपको टफ लगता है आप उसके लेक्चर करवा लीजिए मुझसे, चैप्टर 12 आपको टफ लगता है आप उसके लेक्चर करवा लीजिए, प्रोबेबिलिटी आपको टफ लगता है आप उसके लेक्चर अपलोड करवा लीजिए। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा में हमारे वीडियो लेक्चर से एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, डैम श्योर। आप लिख के रख लो, आपके बोर्ड परीक्षा में 80 मार्क्स के पेपर आएंगे, ऑल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर क्लास नोट्स। और इन सारे जो भी लेक्चर YouTube पर आपको मिलेंगे, YouTube पर जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे उसका PDF आप हमारे ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है पढ़ने का और फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर पढ़ाने का टाइम है, क्योंकि बैच के बच्चों का खत्म कर दिया, हर दोनों सेंटर पे ऑल क्लोज्ड, अब सिर्फ विक्ट्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है। मैंने सोचा था 15 फरवरी से, लेकिन जिस दिन से शेड्यूल आया है कि मैथ्स 1 जून को है,
बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम उसे एक वीक शिफ्ट कर दीजिए, यानी जो आप 15 से कह रही हैं उसे आप 24-25 फरवरी से स्टार्ट करिए। तो करूंगी पहले पार्ट टेस्ट तब फुल टेस्ट। अब एक तीसरा स्ट्रेटजी तो मैं फिर कभी बताऊंगी कि क्या करना है तीसरा, क्योंकि बच्चों के बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि मैम सीबीएसई के लिए कुछ शुरू करिए ना। तो डियर स्टूडेंट, इस बार पिछली बार से नया क्या है? पिछली बार से इस बार नया क्या है? पिछली बार से इस बार नया है केस स्टडी प्रॉब्लम, केस स्टडी क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव सीबीएसई नहीं पूछेगी, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछेगी, ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के रूप में सिर्फ पूछेगी। आखिर होता क्या है केस स्टडी? केस को स्टडी करना, यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप बच्चों को इस 5 में से कोई 4 बनाना होगा। ऐसा 2 क्वेश्चन रहेगा, ये पैराग्राफ 1 है और अगला केस स्टडी रहेगा, पैराग्राफ नहीं, और ये पैराग्राफ 2। इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे जो 4 बनाना होगा। ये इस बार पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम सीबीएसई इज इंट्रोड्यूसिंग केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 1 से चैप्टर 13। आप में से कौन कौन से बच्चे चाहते हैं कि मैम जो ये लाइव स्ट्रीमिंग का आपका टाइम है ना, इस पर केस स्टडी के ही क्वेश्चन करवा दो ना, ये नया है बिल्कुल, मैं नहीं जानता हूं। तो मैंने आप बच्चों का जो कमेंट आएगा, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है पूरे देश के बच्चों को सीबीएसई के लिए अभी से 3 महीने लगातार नरिश करना, लगातार नरिश करना मतलब लगातार मेहनत करना उनके लिए, चाहे वो बच्चे किसी भी स्टेट से हो, बात सीबीएसई बोर्ड की है, मतलब बात पूरे देश की है। आप में जिनका कमेंट सबसे ज्यादा आएगा कि मैम ये करिए लाइव स्ट्रीमिंग में, ये करिए या केस स्टडी के क्वेश्चन करिए, उसी अकॉर्डिंग मैं खुद का को प्रिपेयर करना शुरू करूंगी और 1 से 2 दिन के अंदर सीबीएसई का ये मिशन अपना स्टार्ट हो जाएगा। सीबीएसई का यह मिशन शुरू हो जाएगा और एक बार मैं शुरू करने में जितना वक्त ले लूं, एक बार स्टार्ट कर दी ना, फिर नहीं रुकूंगी। फिर तो मंजिल जिस दिन मिल जाएगी उसी दिन अपनी गाड़ी रुकेगी। उसी दिन जब आपका एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन तक मैं आपके साथ हूं। तो आज आप बच्चे यह प्रण लीजिए, खुद से प्रॉमिस करिए कि मैं अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूं तो आज से भी अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो मैम ने कहा है कि वो यहां तक पहुंचा देंगी। तो हां बच्चे, मैं पहुंचा दूंगी, आप हमारा साथ देके तो देखिए, आप हमारे साथ YouTube पर फ्री पढ़ के तो देखिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगी और वही काम करूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड देने जा रहे हैं उन सबको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर कि सीबीएसई के लिए आकृति मैम ने नया मिशन स्टार्ट किया है, फ्री, कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। ऐप पर हर लेक्चर का पीडीएफ फ्री मिलेगा और वीडियो यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। 2 दिन सप्ताह में 9 PM लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर अलग चलेंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस को भी देखना है। और
पढ़ना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपके सभी बच्चों के कमेंट आते ही हमारा अगला वीडियो आ जाएगा 2 मिनट का कि हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं और क्या शुरू कर रहे हैं। तो CBSE 2021 फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए। थैंक यू।